की पूरी टीम है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है गांव खैरमपुर के वासियों, आज से 1.5 साल पहले आपके गांव के बीच में आए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, और जब आके भाईचारे में बैठे बात करी उसके बाद में लगातार खैरमपुर की हाजिरी किसान आंदोलन में रही है। आज का दौर इस हलके में चुनाव का दौर है, और ये चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए और इसमें किसी की भी जीत हो, जो ये शांति से निबट जाए तो या फिर सारे की जीत हो जाएगी। चुनाव लड़नी है, 5 साल में एक बार ही आवेंगे, अपा नए आड़े रहना है भाई। यू भाईचारा बना के रखो या एकता बना के रखो या जो सांझ किसान आंदोलन ने बनाई थी उसने संभाल कर रखने की जरूरत है। 3 तारीख के बाद में देख लेंगे, कल की सोशल मीडिया पर चालन लग रही है, 3 तारीख की बात कौन देख दे भाई। आपका गांव के चौक के बीच में खड़े होकर कह के जावा, माइक पे बोल के चले गए वे नेता कौनी जो गुंडागर्दी करेगा उसकी गुंडागर्दी का जवाब देना होवे। हम वे लोग जिन्हें खट्टर का हेलीकॉप्टर कौनी उतरन दिया था और प्रधानमंत्री थी पंजाब में कौनी बढ़न दिया था। इस कमेटी ने इकलाना मान लियो, क्या ही मैजियो भाई, 4 गामा में काम ले रहे हैं। जब न्यू को लठा माओ तो लठा मैजियो, न्यू को पीछा माओ तो पीछा मैजियो, और न्यू को आदमिया माओ तो आदमिया माओ एजियो आदिया बढ़कर पेड़ कर कहकर जावा। लोग आपके हक बचाने खातर लड़ेंगे, और मास्टर महंगे स्कूल में, जब तारे बालक हार्वर्ड में पढ़ सके तो ये स्कूल जो स्कूल मारे बाप दादा ने बनाए थे और मारी जमीना पे बने थे, सरकार में राज तुम्हारा उसके है, इस सरकार में इस देश में राज तारा उसके, लेकिन यू देश तारा को नहीं, इस बात ने ध्यान रखियो। इन्हें स्कूला में मारे दादे भी पढ़े हैं भाई, इन्हें स्कूला में मारे बाबू भी पढ़े हैं, इन्हें स्कूला में हम पढ़े हैं, और इन्हें स्कूला में हमारे बालक भी पढ़ेंगे। कल एक भाई न्यू कहो था कि आपके बालक तो प्राइवेट में पढ़ने लग रहे हैं, और बोला धरना सरकारी स्कूल आगे चला रखे। अरे सरकारी स्कूला में तो हमने मास्टर छोटे हैं के, आज सरकार के आधे से ज्यादा काम तो मास्टर करने लग रहे हैं। आधार कार्ड बनाना हो तो मास्टर, वोट बनाना हो तो मास्टर, बीएलओ की ड्यूटी लगेगी तो मास्टर, कोरोना के मरीज गिनने हैं तो मास्टर। अरीब तो न्यू कहने लगे कि दारू कितने लोग पीवेगी गांव में, या भी मास्टर गिनेंगे। 10 मास्टर स्कूल में होए कर दे 126 बालकों का ऊपर, और 2 रह गए, और बालक जब मास्टर मांगे तो फिर धमकी देवे है। जहां तक भाई दही के भाव में कपास ना खा लियो, कदे बैम कर लियो। आज बाल समन जान लग रहे हैं, जयू फैसला करवा लिया ही नहीं कि गामा में विरोध करांगे तो तामने दिखा भी देवांगे ताकत के चीज हो रही। इस मंच से मैं कहकर जाऊं, आज जयू फैसला करा लिया ही नहीं कि हरेक गांव में विरोध करांगे, फिर बेरा लगेगा किसमें ताकत कितनी है। इलेक्शन आंदे जानते रहे करें, भाईचारा ना बिगाड़ो, जो लोग राज में होए कर उन्हें तो सवाल पूछे जाए करें, विपक्ष में होए कर उनते सवाल को नहीं पूछे जाए कर दे। यू राज का काम है स्कूला में मास्टर पूरे करना, और यू कोई बड़ा काम को नहीं भाई, यू आधा घंटे का काम है, कहे 5 मास्टर आकर ज्वाइन कर ले, कोई बड़ी बात को नहीं। कल श्याम ने मेरा गांव में भी प्रोग्राम था, मैं भी काले झंडे दिखा सकूं था, लेकिन जब मैंने बीजेपी के लोग आती कहा कि खैरमपुर में गलत करे ध्यान रखो, बोले प्रधान जी गलती होगी, हमने बेरा कितना जुगाड़ ले रहे हो, दोबारा ऐसा नहीं करांगे। उन लोगों ने बेरा है,
इसलिए हमने चाहवा यू भाईचारा बना रहा है। और जो लोग चुनाव ने देख के जात की धर्म की गिनती करने लग रहे हैं नी, वे लोग गिद्ध है गिद्ध, और उन लोगों तक बचकर रहने की जरूरत है। वे आपके स्वार्थ पूरे करने खातिर लड़ान लग रहे हैं। उनके बालक बाहर पढ़ सके, अपने बालक इन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? इसीलिए इस लड़ाई को खैरमपुर गांव किसानी आंदोलन की तरह सांझी लड़ाई बनाकर लड़ेगा। इस बात की तसल्ली दुआकर जो आऊं भाई, इस कमेटी ने रात ने 12 बजे बुलाओगे, रात ने 12 बजे भी आपके बीच में खड़े रहेंगे। आज तो 4 गाड़ी लाए हैं, जिस दिन न्यू कहोगे 40 गाड़ी लानी है उस दिन 40 गाड़ी भी लावांगे। न्यू ना सोच लियो, माइक पाकर बोल कर चले गए, ताकत ले रहे हैं। माम तो सीधे डिप्टिया ने धमकावा, किसानी आंदोलन में या शिकायत ही नहीं। हम तो सीधे परसों यू भाई मनदीप ती न्यू बोले तेरी गाड़ी को निकट देंगे टोल तय, आधा घंटे तक टोल फ्री करा। हिम्मत है तो बीजेपी वाले टोल फ्री करके दिखा दो, मान जाएंगे। तो हमने 50,000 रुपया का चमीट लग गया, 50,000 का टोल आने का। मैनेजर पैरा में पड़ा था, बोला गलती होगी दोबारा कौन रोका। या किसानी झंडे की ताकत है, इस ताकत ने दिखा देंगे भाई। 1,00,000 पर्चे बांटेंगे आदमपुर हल्के में, 1,00,000 पर्चे कि क्यों हराना जरूरी है बीजेपी ने। लोगों की तीसरी फसल खराब होगी, छाती चौड़ी करके न्यू कह का आज तक मुआवजा आ जाएगा 4 दिन में खाते में। आज उन बातों ने 1.5 महीना हो गया, अरे शर्म करो, वोट मांगना होगा अम्मा में। इसीलिए भगत सिंह के सपना का भारत बनाने खातर लिखड़े हैं, किसी पार्टी पर चंदा को नहीं लेंदे और झंडे को नहीं बांटा भाई फरी में, पीछा में देवा झंडे भी। इसीलिए इस ताकत ने बचा कर रखो, इस एकता ने बनाए कर रखो। और ये वोट आंधी जानती चीज है, साझा भाईचारा जरूरी है। आका खातर लोगों ने लड़ना सीख लिया है। इवन्यू ना सोचो कोई बोल रहा कौनगा, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, कोई कड़ी बात कही होगी तो माफी चाहवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।